वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्रियाकलाप नंबर 22 को करेंगे, जो कि केजी से लेकर सेकंड क्लास के लिए है। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा व उसका सेक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। और वीडियो देखने से पहले स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिल जाएँ। हैप्पी टूथ एंड सैड टूथ, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? हैप्पी टूथ एंड सैड टूथ के बारे में। देखिए यहाँ पे एक टीथ क्या है, ये हैप्पी है और ये क्या है, सैड। तो हम यही जानते हैं कि ये क्यों हैप्पी है और ये दूसरे वाला क्यों सैड है। देखिए क्या लिखा गया है, ब्रश करो ब्रश करो, ब्रश ब्रश, दांतों को ब्रश करो, ब्रश यूअर टीथ, रोज सवेरे ब्रश करो, ब्रश इट एवरी डे, बीमारी को दूर रखो एंड कीप सिकनेस अवे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए। अगर हम रोज़ ब्रश करेंगे तो क्या होगा, बीमारी क्या रहेगी, दूर रहेगी। अब देखते हैं क्या लिखा गया है, प्यारे बच्चों, नीचे खुश दांत हैप्पी टूथ और उदास दांत सैड टूथ के चित्र दिए गए हैं। दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ खाकर आप दांत को खुश और कौन सी चीज़ खाकर आप दांत को उदास हो जाएंगे, मिलान करके बताइए। तो देखते हैं नीचे क्या दिया गया है, क्योंकि जब हम हेल्दी फूड खाते हैं तो हमारे टीथ क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन जब हम ये चॉकलेट्स टॉफीज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारे दांत क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, सैड। तो हम यहाँ पे मैचिंग करते हैं। देखो मिल्क पीने से क्या है, मिल्क हेल्दी फूड है, दांत क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, मिल्क। सेकंड क्या है, कैरेट, कैरेट गाजर खाने से क्या होगा, हमारा दांत बहुत हैप्पी हो जाएगा। और ऐसे ही एप्पल, एप्पल खाने से क्या हो जाएगा, हमारा दांत बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर हम चॉकलेट्स खाएंगे, अगर हम टॉफ़ीज़ खाएंगे और अगर हम ये टॉफ़ी खाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो दांत है वो क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो हम पता चला हेल्दी चीज़ें खाने से हमारा जो टीथ है वो क्या रहेगा, एकदम खुश रहेगा और स्वस्थ रहेगा। जबकि अनहेल्दी चीज़ें खाने से क्या हो जाएगा, हमारा दांत जल्दी बीमार हो जाएगा और उदास हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा हेल्दी चीज़ ही खानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन, जो दांत उदास है, आपको क्या लगता है कि वह उदास क्यों होगा? देखो, क्योंकि उसे हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है, उसे एक अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो क्या है, उदास है। उस पर ब्रश नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमें जब दांत को स्वस्थ रखना है, उसे हैप्पी रखना है, तो क्या करना होगा, रोज़ ब्रश करना होगा। तो देखो दो बातें हो सकती है, या तो उसे अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, हेल्दी फूड नहीं मिल रहा, जैसे कि मिल्क, कैरेट, एप्पल, फ्रूट्स, ये सब नहीं मिल रहे हैं उसे, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऐसा फूड नहीं मिल रहा है, तो वो क्या रहेगा, अनहेल्दी रहेगा। या फिर क्या नहीं किया जा रहा है, ब्रश नहीं किया जा रहा है, ब्रश नहीं करने से भी टीथ क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके मुंह के अंदर कितने दांत हैं, शीशे में देखकर गिनिए। इस गतिविधि को करने से पहले और बाद में हाथ साबुन से ज़रूर धोइएगा। बच्चे वैसे तो आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 20 से लेकर 26 तक दांत होते हैं, या तो उनके 20 दांत होते हैं या 20 से लेके 26 तक। लेकिन आप अपने दांतों को खुद शीशे के सामने गिनिएगा। लेकिन हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा बच्चे, कि हाथों को जब आप ये कर रहे हो उससे पहले हाथों को अच्छे से धोना है और करने के बाद भी धोना है, क्योंकि आजकल कोरोना का बहुत आप लोगों को सबको पता है ना, इसलिए अपने हाथों को आपको बार बार में धोते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर बहुत सारी मिठाई और चॉकलेट खाने से दांत उदास हो जाएंगे, तब हम दांतों को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम दांतों को खुश करने के लिए, हम कर सकते हैं कि हमें ये सब चीज़ें खाने के बाद अच्छे से दांतों को ब्रश करना है। ये सब चीज़ें खाने के बाद हमें क्या करना है, दांतों को ब्रश करना है। हमें दिन में दो बार ब्रश करना होता है, एक बारी हमें सुबह उठकर और एक बारी रात को सोने से पहले। और जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमेशा कुल्ली, साफ़ पानी से कुल्ली करनी होती है, ठीक है बच्चे। आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे आपके दांत हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। आप कब, क्वेश्चन नंबर 4, आप कब खुश होते हैं, अपने माता पिता को बताइए। अब आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप कब खुश होते हैं, जब भी आप खुश होते हैं तो वो बातें बतानी है कि जब आप खेलते हैं तब खुश होते हैं, जब अपने खिलौने से खेलते हैं, जब आप कुछ अच्छा खाना खाते हैं, कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जिस भी चीज़ से लेकर आप खुश होते हैं वो अपने माता पिता को आपको बतानी है, अपने पेरेंट्स के साथ में इसको शेयर करना है। नेक्स्ट देखिए, दांतों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, दांतों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम टीथ कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं,
टीथ, लेकिन जब एक दांत की बात आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, टूथ कहते हैं, उस टाइम उसे क्या कहा जाता है, टूथ। तो यहाँ क्या पूछा गया, दांतों को बहुवचन पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, टीथ। ठीक है बच्चे, इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर से चेक कराइए, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। ओके, थैंक यू।